this DNA. Another one is your vector DNA, जिसके थ्रू यू आर गोइंग टू जस्ट इंसर्ट इट. ओके, अब डोनर सेल से व्हाट यू आर गोइंग टू रिमूव, डोनर सेल से आप डीएनए निकालोगे, यस और नो? यस यस. सो समझ लो, दिस आउटर पार्ट इज योर डोनर सेल एंड द इनसाइड द इनर पार्ट इज योर डीएनए. सो फ्रॉम दिस डोनर सेल वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट अवर डीएनए, जो कि कैसा, इट इज जस्ट अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ओके, इन दिस सीक्वेंस वन इज योर टारगेट डीएनए, राइट, लाइक दिस. तो हमको सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट याद है सबको. सो दिस टारगेट इंटरेस्ट इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, सो वी आर गोइंग टू जस्ट रिमूव इट. सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, और नो बच्चा लोग? ओके, सो दिस वॉज योर डोनर सेल. यहाँ पे हम लोगों ने डिजायर्ड डीएनए का आइसोलेशन किया, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए. आफ्टर दैट हमने उसका किया एंजाइमेटिक फ्रेगमेंटेशन. ओके, कट किए थे विद द हेल्प से एंजाइम्स, याद है सबको? आफ्टर आइसोलेशन जो पार्ट हमको चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से हमने क्या किया, उसको फ्रेगमेंट्स में कट किया. ओके, so into fragments by restriction enzyme. Clear है सबको इतना? Yes ma'am. Yes. From another side हमने vector लिया जिसमें हमको DNA insert करना है. Same. इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इसका भी restriction enzyme we are going to cut it. Why? क्योंकि यहाँ पे vector में space खाली करेंगे ना, जहाँ पे हम लोग इसको combine कर सके. Clear है इतना? सबको समझ में आ रहा है? So this is your vector DNA. Now you can see यहाँ पे हमने थोड़ा सा पार्ट कट किया with the help of restriction enzyme. Okay? Gap दिख रहा है सबको? Yes. So there we are going to join this DNA. Okay? So इसके बाद दोनों का क्या करेंगे हम? Combination करेंगे. That is going to be nothing but your new DNA that is called as rDNA. Yes or no? Yes. So, यहाँ पे आपने ज्वाइन किया योर इंटरेस्टेड जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके वेक्टर डीएनए में. सो दिस डीएनए नाउ इज कॉल्ड एज आर डीएनए, जहाँ पे आपका फॉरेन डीएनए भी इन्वॉल्व है, एंड दिस वन इज योर टारगेट डीएनए. यहाँ तक सबको क्लियर? नाउ बच्चा लोग द नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग इसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे, होस्ट में. फॉर वॉट पर्पज, याद है किसी को? वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट इन टू अ होस्ट सेल. व्हाट पर्पस? क्लोनिंग. भूल भी गए इतना जल्दी सब लोग? क्लोनिंग पर्पस के लिए आप होस्ट उसमें सेल में होस्ट को डालते हो ना, फिर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं हम. यस और यस? यस. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, होस्ट सेल इज लाइक दिस. ओके, जहां पे आप डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज योर होस्ट सेल. व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन दैट कि यहां पे हमने होस्ट सेल में आर डीएनए भी ट्रांसफर किया है. सो नाउ योर होस्ट सेल इज बिकम्स लाइक दिस. ये आपका आर डीएनए, ये इसका प्रॉपर पुराना डीएनए. क्लियर है इतना? यस. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग इट इनटू अ होस्ट सेल, जस्ट फॉर द मल्टीप्लिकेशन और फॉर गेटिंग more number copies of this rDNA, yes or no? Yes. Yes. So here host cell में भी क्या होगा बच्चा लोग, यहाँ पे जो एक copy था, it is going to be produced two copies. Okay? So in this way में क्या होगा, आपका numbers of copies produced होगा, present produce होगा, sorry, आपके host cell में. ये इसका previous DNA. इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay. So, यहाँ पे अभी आपका जो क्या होगा, कॉपी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गई है, राइट? सो नाउ व्हाट वी आर गेट इट, हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो प्रोटीन इनकोडेड इनसाइड डीएनए, ओके, दिस डीएनए इज आर कॉल्ड एज प्रोटीन इनकोडेड इनसाइड डीएनए. लास्ट का स्टेप याद है आप लोगों को? लास्ट वाला स्टेप, एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू ऑब्टेन योर डिजायर्ड प्रोडक्ट. यस. Yes, ma'am. यहाँ पे लास्ट स्टेप में बच्चा लोग आपका एक्सप्रेशन आ गया है
दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे जो भी आप डीएनएस देख रहे हो, आरडीएनए सॉरी, आपने जो भी पर्पस के लिए यहाँ पे इनको इंसर्ट किया था ना, ऑल दैट एक्सप्रेशन हैज बीन कम नाउ. ओके, सो दिस इज नाउ कॉल्ड एज प्रोटीन encoded by insert DNA. Insert DNA क्यों बोला गया है बच्चा लो? Because we have inserted this DNA. Yes or no? हमने ये DNA क्या किया? Host body में insert किया. That's why it is called as insert DNA. So यहाँ पे क्या लिखा है? Protein encoded by insert DNA. अभी जो आपका ये नया DNA, what is the function of DNA? To encode a protein. Yes or no? Yes. इतना सबको पता है, the function of DNA is to encode a protein. So यहाँ पे जो भी purpose से हमने यहाँ पे नया DNA आपका insert किया है, वो क्या करेगा? Protein code करेगा. Okay? So let's start from the up. यहाँ पे this is your donor cell, this is your vector. Restriction enzyme के help से पहले हमने इसका क्या किया? Isolation के desired DNA का, जो DNA हमको चाहिए था उसका हम लोग ने क्या किया? Isolation किया. Okay? Now with the help of restriction enzyme, we have cutted both the things. Also, we have cut the vector DNA as well as we have just cut this target DNA. इतना clear है सबको? Fragments में हमने cut किया. Why? Because we have to insert this. We have to just join this fragment to this vector DNA. That's why this is also called as कौन सा DNA बच्चा लो? RDNA. Yes, RDNA का दूसरा नाम क्या पढ़े थे आप लोग? Chimeric DNA. Chimeric DNA. Chimeric DNA. Yes, very good. So, यहाँ तक सब क्लियर है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से दोनों कट किया. नाउ अभी जो जॉइनिंग हुई है बच्चा लोग, ये कौन से एंजाइम से हुई है? विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट. सो बस इतना जो बेसिक स्टेप्स है वो ध्यान में रखो. विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर्स, आपका वेक्टर भी कट डाउन किया एज वेल डीएनए है. It is cutted into the fragments. Then with the help of काटने के बाद क्या करें? जोड़ने का काम. With the help of DNA ligase, join this fragment into this vector DNA. समझ में आया? Yes ma'am. Yes ma'am. So यहाँ पे ultimately आपका DNA क्या किया? ये host cell है आपका, right? जहाँ पे ये उसका पुराना DNA present है, correct? Now we have just inserted this rDNA to this host cell. Yes or no? Yes. Yes. So this step is called as introduction into a bacterial host cell, that is transformation. याद है आप लोगों को transformation process, the process through which the host cell takes this rDNA. Yes or no? Yes, ma'am. So this steps is called as transformation. Transformation एक ऐसा process है, ऐसा step है जिसके help से आपका rDNA is taken inside into your host cell, that is host bacteria. क्लियर इतना सबको? नाउ नेक्स्ट, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो होस्ट सेल है बच्चा लोग, नाउ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल कंटेनिंग आरडीएनए मॉलिक्यूल. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सेम यही स्टेप में आप देख सकते हो कि अभी आपका जो होस्ट सेल है वहां पे आरडीएनए मॉलिक्यूल है, राइट? यस. सो आफ्टर कंटेनिंग दिस आरडीएनए, अब इसका पर्पस क्या था? जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, राइट? इसका ज्यादा नंबर कॉपीज हो इसलिए तो हम लोग उसको then this is called as cloning host. Why? Cloning मतलब क्या होता है? Identical copies generate करना. Correct है? So for getting multiple copies, we have just inserted one host organism. So host organism में हमारा जो purpose था, हमने वो डाला, fulfill वो हुआ, यहाँ पे multiple copies produce हुई. इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. So, yes. You have the identification and amplification of this rDNA we have done. Okay. Now, after this, the cell multiplication as well as जो भी आपने DNA insert किया था, उससे भी क्या होगा? Protein production start हो जाएगा. Okay. Now, the protein production is going to start from this rDNA. Clear है इतना step सबको? Yes, ma'am. Is there any doubt in this process? This is very important. Any doubt to anyone? एक बार हमने जो स्टेप्स लिखे थे वो देख लेते. फर्स्ट स्टेप वॉज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, करेक्ट? देन इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर. सेम यहाँ पे हम लोग सेम देख रहे हैं, आइसोलेशन देन इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर. आपने इंसर्शन किया, राइट? ये वाला,
then transfer of DNA into a host cell. Host cell में हमने transfer किया, this is our step. Okay, host cell में transfer करने के बाद में ये step आया. Now after transfer हमने क्या किया, selection of the transformant host. अभी आपका host body यहाँ पे selection करना है transformant. Okay, जो transformant हुआ ये, अब इसका यहाँ पे ये transformant हुआ रहा है, it's a multiplication of this transformant. Okay, समझ में आ रहा है सबको? Yes, transformant. अभी यहाँ पे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो चीज को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट. ओके, दैट इज आर डीएनए सेल्स आर कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट और द रिकॉम्बिनेंट. आई होप अगर आप लोगों को याद होगा, वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दिस टर्म्स इन द लास्ट लेक्चर ओनली. सो द डीएनए दैट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट. ओके, सो हियर we have seen that selection of transform host, then after that multiplication of the transform host. यहाँ पे multiplication हो रहा है आपका जो भी recombinant है उसका, then finally protein encoded by inserted DNA or the you can say आपका जो भी desired product है उसका expression दिखा रहा है. Is it clear to everyone? Yes ma'am. Okay. Next topic पे move on करें, सबको clear है सारी चीजें, there is no doubt to anyone, right? Yes. Yes ma'am. Okay. So we have already started the applications of biotechnology in last lecture. Okay. Applications of biotechnology. जिसमें already we have seen the branches, right? Healthcare biotechnology, जिसमें insulin and vaccine production होता है. After that we have seen agriculture. Then gene therapy and then GMO. Yes or no, bacha lo? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now that was the important part, जहाँ पे applications आपके biotech के use हो रहे थे. Okay. Now we'll see. उसके पहले हम थोड़ा सा एक lookout करेंगे कि आपका जो directly, हाँ बच्चा बोलो. ma'am, applications of biotechnology में neurology भी है क्या? कहाँ दिख रहा है आपको? No, just ऐसी. Neuro. देखो, neurology deals with the neurons, right? देर में भी सम एप्लीकेशन, बिकॉज देखो यहाँ पे बायोटेक्निक का अल्टीमेटली हेल्प क्या कर रहे हैं, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन प्रोडक्शन ले लो आप, या फिर डिटेक्शन ले लो कैंसर या फिर ट्यूमर का. सो अगर आप हेल्थ केयर का बात कर रहे हो ना न्यूरोलॉजी, सो देर में भी सम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देयर इज नो डाउट इन दैट. कुछ ना कुछ एप्लीकेशन उसको वहां पे भी होगा, बट चीजें क्या है बच्चा लोग पता है, अभी प्रॉपरली डिफाइन नहीं की गई है. बहुत सारा ऐसा है कि हम अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए कि हाँ दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लास्ट लेक्चर ही हम डिस्कस किए थे, जो हमने मेकिंग ऑफ कर्ड देखा है फ्रॉम मिल्क, वो ऐसा तो नहीं है ना कि अभी बायोटेक आने के बाद हमने करना स्टार्ट किया, यस और नो? बट वो डिफाइन कब हुआ, ये तो आपके मदर्स लोग, हमारे मम्मी लोग ये पहले से ही कर रहे थे, राइट? Yes. ये डिफाइन कब हुआ, ये अब हुआ कि दिस इज द पार्ट ऑफ योर, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, करेक्ट? सो देर मे बी सम बायो, देर मे बी एप्लीकेशन, देर इज नो डाउट, बट उसको डिफाइन करना बाकी है. गेटिंग, समझ में आया? तो धीरे धीरे ना चीजें कवर हो रही है कि हाँ दिस कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी, दिस कम्स अंडर दिस पर्सपेक्टिव. ओके, सो बिफोर गोइंग ऑन दैट, जो हमने हेल्थ केयर एग्रीकल्चर जीन थेरेपी वगैरह लिखा था, हम लोग ऐसे एप्लीकेशन देखेंगे जहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशन आपके यूज हो रहे हैं. ओके, बायोटेक के, जैसे कि आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ले लो. प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में बच्चा लोग कैसा होता है, आपका जो प्लांट सेल और टिश्यू कल्चर, ओके, लिखना नहीं है इसको, जस्ट पे अटेंशन. सो पहला वाला है आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. अब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे लोग क्या क्या कवर होते हैं, आप प्लांट सेल से डील करते हो, देन टिश्यू कल्चर, आई होप अगर याद होगा सब लोगों को, माइक्रो कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स, ऑल दिस कम अंडर दिस. ओके, जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप नथिंग बट द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. यस, वेरी गुड, क्लियर है इतना? Now the next one is industrial biotechnology. Industrial biotech में अब क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे आपका industry से जब आप deal करते हो, now भी मैं एक example ले लेती हूँ industrial biotechnology में, जैसे for an example आप alcohol production की industry ले लो. Okay, alcohol production, beer production, okay, तो अगर आप इन सब की industries देखने जाओगे,
सो इट इज डील विद द एंजाइम्स, करेक्ट. अब अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी आपका एंजाइम चाहिए, ओके, एज वेल एज बियर प्रोडक्ट. फर्मेंटेशन होता है ना आफ्टर ऑल, ऑल दिस ड्रिंक्स आर फर्मेंटेड ड्रिंक्स, ओके. सो फर्मेंटेशन इज नथिंग बट द अल्टीमेटली अ ब्रांच ऑफ और द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो नो, सो दिस इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो कम अंडर दिस अ पार्ट ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑल दिस आर द फर्मेंटेड ड्रिंक्स and fermentation is a part of your biotechnology. So यहाँ पे ultimately आपके industries में ना enzyme biotechnology use किया जाता है. जैसे for example, for all this production enzyme is required. समझ में आया बच्चा लोग? Yes ma'am. Industrial biotechnology में आपका enzyme biotechnology cover होता है. इसके अलावा आपका protein engineering, metabolic engineering, metabolomic, metabolism सबको clear. मैंने आप लोग को ही last time बताया था. मेटाबॉलिज्म याद है आप लोगों को? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. इट मींस बताया है मैंने, याद है ना सबको? यस. ओके, व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म? बोलो. मैं मेटाबॉलिज्म वो होता है जिससे हमारा फैट मतलब कि क्या कहते हैं डिटरमाइन होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो तो नो मैटर वो जितना कुछ खाए वो उसका फैट बढ़ेगा नहीं, मतलब कि वो वैसे का वैसा रहेगा. यस, सम ऑफ ऑल रिएक्शंस इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. यस एग्जैक्टली, मेटाबॉलिज्म एक आप प्रॉपर बोलो बच्चा, आपने सही बोला. जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो उसको जो उसका डाइजेशन फटाफट होता है. बट व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन योर बॉडी. आपके बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन है लाइक डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, समझ में आ रहा है? सो दिस प्रोसेस आर वेरी क्विकली, ओके. तो मेटाबॉलिज्म फास्ट मतलब आपके सारे के सारे प्रोसेस कैसे हैं, रिएक्शन कैसे हैं, दे आर वेरी क्विक. समझ में आया? तो जितना भी खा रहा है उसका डाइजेशन कैसा हो रहा है, फटाफट हो रहा है. एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, फटाफट हो रहा है. क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक, बोलते हैं ना डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, द एडिशन और द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी. ओके, आपके बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म प्लस कैटा. एना का जैसा आप लोगों को भी पता है सबमिशन ऑफ दो, किसी दो को मिला के एडिशन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में एक का दो ब्रेकडाउन. यस, क्लियर है इतना? यस यस. ओके, सो नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज जीनोमिक्स. अब जीनोमिक्स के नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी डील विथ योर जीन्स एंड ऑल, राइट? कौन सा जीन्स डिफेक्ट करते हो? हाँ बच्चा लो, पूछ रही कौन सा जीन्स जो पहनते हो या जो बॉडी के अंदर है? यस, ब्लड अंदर अंदर है मैं. एग्जैक्टली, थोड़ा सा एक्टिव रहो सारे के सारे लोग. ओके, जस्ट बी एक्टिव. ओके, सो जीनोमिक्स में इट डील्स विद द होल जीनोम सीक्वेंस. सीक्वेंस मतलब आई होप आपको सबको पता होगा सीक्वेंस क्या होता है बच्चा लोग. Nothing but all these things, A pairs with T, T pairs with C, G. Yes or no? Clear? Yes. Purines and pyrimidines, pairings are the nothing but the sequence. Okay, so genomics is going to deal with the whole genome sequence. फिर उसके अलावा आप bioinformatics ले लो या फिर genetics part ले लो, मतलब आपका genetic part जो है वो cover है. Okay. After that your microbial biotechnology. Microbial biotechnology is deals with the microbial genomics as well as आपका biofertilizers वगैरह हो गया. I hope everyone knows what is biofertilizers and what is this biopesticide. That is without the help of your chemical. आप बिना किसी chemical को use करें ऐसा fertilizers तैयार हुआ है जिससे plant को क्या हो, harm भी ना हो और उसका production भी बहुत अच्छा हो. Clear है इतना? सबको पता है ना biofertilizers, biopesticides. For the improvement of the plant growth without using the chemicals. Okay, so this was microbial biotechnology. Next is your environmental biotechnology. Environmental naam se samajh mein aa raha hai bachcha log, it is going to be deal with your environment. Yes or no?
सो इन एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द पोल्यूशन कंट्रोल. अभी आपके एनवायरमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज योर सर्वाइविंग इन योर एनवायरमेंट, यस और नो? तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपका जो एयर है जिसमें आप सर्वाइव कर रहे हो, इट शुड बी नीट एंड क्लीन ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए. ओके, सो इन एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी अल्टीमेटली डील्स विद द पोल्यूशन कंट्रोल, ओके, फॉर योर सेल्फ. देन बायो रेमेडिएशन, बायोडाइवर्सिटी, बायोफ्यूल. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है स्टूडेंट? बायोडाइवर्सिटी किसी को पता है? एनी आइडिया? एवरी लिविंग थिंग हु इज लिविंग इन सराउंडिंग इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप बोलते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दो रीजन है, मैं आपको कंपेरिजन करके बताती हूँ, ठीक है? अभी आप एक ले लो वेस्टर्न घाट एंड द अनदर वन इज ईस्टर्न घाट. ओके, सो इट विल आस्क दैट पार्ट्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी. सो इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी क्या होता है अल्टीमेटली? दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑर्गेनिज्म. समझ में आया? तो दोनों में से जिसमें भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, इट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस. क्लियर है इतना सबको? समझ में आया? यस मैम. बिकॉज बायो मीन्स होता है आपका लिविंग, डाइवर्सिटी क्या होता है मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. समझ में आ रहा? डाइवर्सिटी कितने ज्यादा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी. हाउ डाइवर्स इज, आप बोलते हो ना, सुनते हो कभी, हाउ डाइवर्स इज? ओके, सो बायो डाइवर्सिटी जहाँ पे जितने ज्यादा ग्रेट नंबर ऑफ, दैट इज क्या हुआ बोलो? हाँ मैम, ये जो आप एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बता रहे हो ना, तो मैम 10th स्टैंडर्ड में वो ऐसे गोल्डन राइस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो फिर वो कौन से एप्लीकेशन में आएगा, प्लांट में या फिर इंडस्ट्रियल में? उसको कंफ्यूज हो रहा हूं. गोल्डन राइस अभी आपका, आप वापस यहां पढ़ोगे ना, एग्रीकल्चर में आएगा बच्चा वो आपके. राइस आपके एग्रीकल्चर का पार्ट है, राइट? यस यस. तो वहां पे आपका एग्रीकल्चर में कवर होगा गोल्डन राइस. विटामिन ए एनरिच पढ़ा होगा आपने, राइट? विटामिन ए जिसमें बहुत ज्यादा होता है, सो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गोल्डन राइस आपका डेवलप किया जाता है जिसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है. क्लियर है? यस. ओके, सो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है बायोडाइवर्सिटी का? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो वेस्टर्न घाट है, इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट. तो मतलब यहाँ पे वेस्टर्न घाट में जो लिविंग ऑफ नंबर ऑफ लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है, दैट इज मोर एज कम्पेयर टू योर ईस्टर्न घाट. क्लियर? यस मैम. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज एनिमल बायोटेक्नोलॉजी. सो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है बच्चा लोग? यहाँ पे अगेन जैसे हमने प्लांट्स में देखा टिश्यू कल्चर, सेम एनिमल में भी आपका टिश्यू कल्चर होगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ टिश्यू दे आर गोइंग टू कल्चर समथिंग. ओके, उसके अलावा एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में मेडिसिन का भी जनरेशन आप देख सकते हैं. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इम्यूनो टेक्नोलॉजी. ओके, द टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स टू बूस्ट योर इम्यून. अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द मार्केट जिसमें आप देख सकते हो कि वहां पे फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनोलॉजी. ओके, इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे प्लांट्स में क्या देखा था, जीएम प्लांट, राइट, जीएम क्रॉप. सेम यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जीएम एनिमल्स. इसीलिए आप लोगों ने देखा हो तो लास्ट टाइम जो आप लोगों ने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें से हमने मेन मेन पार्ट लिखा है जहां पे आपका जीएम उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में आपका कवर हो रहा है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स. यस और नो? यस मैम. यस मैम. ओके, सो यहाँ से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है हम लोग ऑलरेडी उसको नेक्स्ट में देखने वाले, ठीक है? अब इसके अलावा आपका जीन थेरेपी. So all these are the applications of biotechnology. सबको समझ में आया बच्चा लोग ये? Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. तो चलो अभी हम लोग फिर next में move करते हैं जो हम लोग last time देखे थे. That is the main applications of biotechnology. जिसमें से first था आपका healthcare biotechnology. Space है ना सबके पास? So we are going to deal with that.
उसके पहले बच्चा लोग देखो वहां पे टेबल दिख रहा है आप लोगों को, टेबल 12.7 दैट इज ह्यूमन प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी टू ट्रीट ह्यूमन डिजीजेस, दिख रहा है सबको? यस मैम। डिस्कस इट फर्स्ट, उसको पहले हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल फर्दर मूव। ओके, नाउ अभी एक कॉलम में आपको दिख रहा है कि आपका डिसऑर्डर दिया है, डिसऑर्डर आर नथिंग बट द डिजीजेस। ओके, एंड इन कॉलम योर आर प्रोटीन, आर प्रोटीन मतलब कौन सा प्रोटीन होता है, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा ना, मैंने तो अभी तक ये सुना ही नया कहां से आ गया। सो द प्रोटीन दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द आर डीएनए इज कॉल्ड एज आर प्रोटीन, दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्लियर है, इतना सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, इन दैट अभी हम जैसे कि एग्जांपल ले लेते, द फर्स्ट वन इज अनेमिया। अनेमिया मतलब किसी को पता है? Less number of red blood cells. Sorry? Deficiency of red blood cells. Okay, deficiency of RBC, you are saying that is anemia. Are you sure? Less number of hemoglobin. Yes, exactly. Anemia, dekho, ultimately RBC is responsible for the production of HB, that is hemoglobin, right? RBC से आपका क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है, या नो? इतना पता है सबको? यस मैम। तो एनीमिक पर्सन जो होता है बच्चा लोग, वहां पे अगर कोई आपसे एक प्रॉपर अगर जब बोलोगे ना, दैट इज नंबर ऑफ योर हीमोग्लोबिन कंटेंट, आपका जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है दैट इज वेरी लो इन नंबर इन सच एनीमिक पर्सन। तो एनीमिया में अल्टीमेटली क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन का नंबर्स बहुत ही डिक्रीज हो जाता है, जो कि कम हो जाता है। इसके अलावा आपने सिकल सेल एनीमिया सुना है? यस मैम। इसमें क्या होता है, एनी आइडिया? मिस रेड ब्लड आरबीसी का शेप मून जैसा होता है। यस, जो आपका आरबीसी के शेप है दैट इज बिकॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन दे आर बिकम्स एज सिकल शेप, दैट इज कॉल्ड एज हाफ मून शेप। क्लियर है सबको? Yes. So ultimately because RBC is responsible for the transport of oxygen, तो oxygen की deficiency के वजह से ये क्या हो जाता है, half moon cell, that is called a sickle cell anemia. अब normal anemia is nothing but the deficiency of your hemoglobin. समझ में इतना? Okay. Now anemia किसके वजह से होता है? Due to the less number of RBC, जिसके वजह से ultimately आपका hemoglobin content कम हो जाता है. Yes or no? Yes. Now this erythropoietin, इसका मतलब क्या बच्चा लो? एनी आइडिया? नाम में ही डेफिनेशन लिखा हुआ है, नाउ लुक एट मी, आरबीसी का प्रॉपर नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। यस, एरिथ्रोसाइट्स, राइट। तो एरिथ्रो स्टैंड्स फॉर आरबीसी, यस और नो? यस। साइट स्टैंड्स फॉर सेल, ओके। So here again, erythro stands for RBC and poietin stands for production. So erythropoietin is nothing but it is the protein that is responsible for the production of RBC. Clear hai? Yes. So erythropoietin is the protein that is responsible for the production of erythrocytes, which is responsible for the production of this hemoglobin content. So that's why ऐसा disorder या फिर disease ऐसा जिसी person को होगा, जिसको anemia हो जाएगा, तो वहां पे क्या करते हैं, आपका जो erythropoietin है इसका number decrease हो जाता है ना, या फिर कुछ उसमें defective आ जाता है, okay? So जिसकी वजह से आपका proper RBC production नहीं होता, जिसकी वजह से ultimately आपका hemoglobin content कम हो जाता है। So that's why ऐसे person में erythropoietin that is the R protein insert किया जाएगा, that is responsible for RBC production. तो अपने आप जब इंक्रीज हो जाएगा तो आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज। क्लियर? सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, सेम। अभी नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो, दैट इज पार्चुरेशन। ओके, सारे ऐसे ही हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे दिए ना, अब एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, बाकी सब सेम है, वैसे ही है। अब जैसे आप अस्थमा का भी देखते हो, ओके, सो अस्थमा के लिए, अस्थमा किसकी वजह से होता है? सांस की कमी से, राइट? अस्थमा में क्या होता है आपका, अल्टीमेटली आपका जो लंग्स होता है ना बच्चा लोग,
वो स्वेल हो जाता है जिसके वजह से आपको डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग लेने में, और अस्थमा का पेशेंट अगर देखोगे तो बहुत फटाफट सांस लेते हैं, करेक्ट? बिकॉज उनका जो लंग्स होता है उसमें स्वेलिंग होती है जिसके वजह से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है. तो इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर इज द प्रोटीन दैट इज गोइंग टू हेल्प टू डील विद दिस सच टाइप ऑफ पेशेंट. ओके, सेम एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस किसी को पता है क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल प्लाक फॉर्म होता है एट्रियल वॉल्स पे हार्ट में. यस, एथेरोस्क्लेरोसिस में ये होता है आपका जो डिपोजिशन, समझते हो? आपके जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर एट्रियल वॉल. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा ऑफ योर फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा. ओके, इन सारी चीजों का क्या होता है? डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो ब्लड सप्लाई है टू द हार्ट दैट इज रिड्यूस्ड. ओके, आपका जो हार्ट में ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. अब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हुआ मतलब अल्टीमेटली ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन. क्लियर? सो इसके वजह से ब्लड सप्लाई कम होने के वजह से भी लोगों को क्या आता है? बहुत बार हार्ट अटैक. सो एथेरोस्क्लेरोसिस से भी क्या होता है? पेशेंट्स को हार्ट अटैक आता है. क्लियर है बच्चा लोग? इतना सबको समझा? यस मैम. ओके, नाउ पार्चुरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय पार्चुरेशन? Any idea? Say at least yes or no. The action is giving, the process, giving birth to a young ones. Giving birth to young ones. Yes, the process of baby to come out from the body is called as parturition. Ya fir aap bol sakte the process of giving birth to young one is called as parturition. Okay? Samajh mein aaya itna sabko? तो पार्चुरेशन के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इज रिक्वायर्ड दैट इज रिलैक्सिन. अब इसका यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पार्चुरेशन में रिलैक्सिन बाहर से इसलिए किया जाता है बिकॉज जो बॉडी में रिलैक्सिन का प्रोडक्शन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोटीन प्रोडक्शन जो इसको हार्मोन भी आप कह सकते हैं, हार्मोन दैट इज रिलैक्सिन, इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड दिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेबीज बर्थ. ओके, जब पार्चुरेशन का टाइम, उसके पहले लाइफ में ये कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता रिलैक्सिन. तो अल्टीमेटली दिस हार्मोन इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग पार्चुरेशन ओनली. क्लियर है? अब दूसरी चीज, आपका जो रिलैक्सिन है ना बच्चा लोग, बॉडी में थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, दैट इज नॉट इनफ. अब अल्टीमेटली रिलैक्सिन से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके यूटेरस में. ओके, यूटेरस वगैरह सबको पता होगा, आई होप. यस मैम. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो अल्टीमेटली लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस. ओके, तो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है? बेबी इज एक्सपेल्ड आउट. ओके, बेबी इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. समझ में आया? Yes. So relaxin आपके body में produce होता है during the parturation process because it makes the uterus to contract. आप कोई चीज आप contract करोगे तो उसमें अगर baby inside present है तो it is just contract to push the baby towards outside. That is called as expelling. Okay? So baby is expelled out of the body. तो जितना body आपके, जितना relaxin आपके body में produce होता है, that is not enough for this process. That's why बाहर से doctors क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं. सॉरी दैट इज वॉज ऑली सॉरी. रिलैक्सिन क्या होता है बच्चा लोग? यहाँ पे देखो, अभी जैसे ये पार्चुरेशन का जो प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे रिलैक्सिन क्या काम करता है? आपका आफ्टर दिस विगरस कॉन्ट्रैक्शन. ओके, आफ्टर दिस विगरस कॉन्ट्रैक्शन ये आपके बॉडी जो है, आपका यूटेरस एंड ऑल, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करता है. सो दैट इज रिक्वायर्स ड्यूरिंग द पार्चुरेशन. But it is only produced during this process. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now the next one is cancer. Cancer तो सबको पता ही होगा. Yes. कितने types के cancer होते? Lung cancer, blood cancer, mouth cancer, breast cancer, uterus cancer. Okay. So ultimately cancer में क्या होता है बच्चा लोग? एक property होती है normal cells की, मतलब नॉर्मल जितने भी सेल्स है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन.
कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब ये होता है स्टूडेंट, जो आपके बाकी के सेल्स है, सारे सेल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनको कितना ग्रो होना है इन साइज. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. मतलब ये सेल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये सेल, ओके, नाउ इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर सेल. नाउ दिस इज इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर सेल. समझ में आया? तो सारे सेल्स का आपस में क्या है? कॉन्टैक्ट. तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. इनहिबिशन मतलब क्या? अब जैसे ये सेल का तुम्हारा जो नॉर्मल ग्रो होने का साइज है, दिस इज दिस, ओके. अब अल्टीमेटली ये क्या है? ये दूसरे सेल से भी कॉन्टैक्ट में है और दूसरा वाला तीसरे से कॉन्टैक्ट में है. यस और नो? तो अगर आपका ये जो सेल है, अगर ये इतने से ज्यादा ग्रो हो रहा है, मतलब जितने का रिक्वायरमेंट है, जितना एक प्रॉपर्टी होता है ना नॉर्मल कि इतना ग्रो होना चाहिए. अब मुझे तुम एक बात बताओ, अभी ह्यूमंस का ही तुम अगर एग्जाम्पल लेते हो तो एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है ना, इतना नॉर्मल है, इतना वेट नॉर्मल है, उससे अगर ज्यादा होता है तो इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन. यस और नो? यस. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 12 फिट का इंसान है तो वो नॉर्मल तो नहीं है. कोई 300 किलो का इंसान है, इट इज नॉट नॉर्मल, करेक्ट? सो सेम यहाँ पे, अगर नॉर्मल क्या 300 किलो का इंसान थोड़ी ना होता है. तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना बच्चा, ऐसा नहीं है, नहीं होता. अभी आपको वो वर्ल्ड गिनीज बुक का आप रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें एक 250 किलो की वुमेन है ना, जिसको ऑपरेशन करके पूरा वो कम किया गया है. ओके, सो लुक हियर, यहाँ पे सेम आपका जो ये सेल्स है, इसका भी जो एक ग्रोथ है, इट इज इन अ डिटरमाइंड वे, ठीक है, कि इतना ग्रोथ होना चाहिए. अब अगर ये इससे ज्यादा ग्रो हो रहा है तो इसको क्या करेंगे? दे आर इनहिबिटेड. इनहिबिट मतलब समझते, किसी चीज को रोकना. समझ रहे हो? यस यस मैम. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. और जो कैंसर सेल्स होते हैं, दे लॉस दिस प्रॉपर्टी, दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. मतलब ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, अपने मर्जी से बढ़ो. तो ट्यूमर सेल्स भी अल्टीमेटली, आई होप आप लोग को पता होगा कि जो कैंसर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर सेल्स. अब वो ट्यूमर क्यों फॉर्म करते? बिकॉज दे ग्रो अनलिमिटेड इन साइज एज वेल एज नंबर्स, बिकॉज दे लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ना कोई बोलने वाला, ना कोई रोकने वाला. समझ में आया? यस मैम. यस मैम. ओके, कॉल्ड एज. तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे चाहिए तो नोट डाउन कर लेना कि जो कैंसर सेल्स होते हैं, दे लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दैट्स व्हाई दे गिव राइज टू ट्यूमर्स और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स कंटिन्यूसली. अब इनको कैंसर को ठीक करने के लिए जो आरडीएनए प्रोटीन इंसर्ट किया जाता है, दैट इज आर इंटरफेरॉन्स, ओके, या फिर इंटरल्यूकिंस. मैक्रोफेज भी, मैक्रोफेज आपने शायद पहले सुना होगा, मैक्रोफेज. सो मैक्रोफेज इज व्हाट? दैट ईट्स द अदर बॉडीज, ओके. मैक्रोफेज दैट ईट अप्स द अदर नॉन रिक्वायर्ड बॉडी इज कॉल्ड एज मैक्रोफेज. जो आपका बॉडी का अंदर का जो भी ब्लड एंड ऑल है ना, वो क्लीन करता है. इनफैक्ट दिस न्यूट्रोफिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस ऑफ द ब्लड. न्यूट्रोफिल्स पता है ना बच्चा लोग, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ब्लड कंपोजिशन के सेल्स. सो इन दैट न्यूट्रोफिल्स आर द मैक्रोफेज ऑफ योर ब्लड. तो जो भी डेड बॉडी है ना, वो उसको क्या करता है? ईट अप कर लेता है. ओके, सो मैक्रोफेज या फिर इंटरल्यूकिंस ले लो. सो ऑल दिस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस कैंसर. इतना समझ में आया सबको? नाउ द नेक्स्ट वन इज डायबिटीज. डायबिटीज में हमको सबको पता है, अगर पर्सन को डायबिटीज है तो उसको बाहर से कौन सा इंजेक्शन लगता है? इंसुलिन. यस, इंसुलिन. क्यों? अब डायबिटीज में भी सेम, अल्टीमेटली इंसुलिन इज द प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द शुगर ऑफ योर बॉडी. यस और नो? क्लियर है सबको? तो ये इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है बच्चा लोग आपकी बॉडी में टू कंट्रोल दिस शुगर, वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से क्या करते हैं, पेशेंट को बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है टू कंट्रोल द शुगर. क्लियर इतना सबको? यस मैम. ओके, नाउ अभी हेमोफीलिया. हेमोफीलिया पता है आप लोगों को? हेमोफीलिया सुने हो पहले कभी? नो. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है. यस,
एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जहाँ पे आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बहुत ही मुश्किल होता है इन हेमोफिलिक पर्सन. अब वाय अब यहाँ पे भी हेमोफिलिया के ना दो बाइफोकेशन दैट इज हेमोफिलिया ए एंड हेमोफिलिया बी. ओके सो डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है. दोनों में भी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का ही इश्यू होता है बट डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. फॉर हेमोफिलिया ए फैक्टर 8 के लिए फैक्टर 8 इज रिस्पॉन्सिबल. ओके वेरस हेमोफीलिया बी के लिए फैक्टर 9 इज रिस्पॉन्सिबल. ओके तो इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं, आप लोग को बस ये हेमोफीलिया ए 8 और हेमोफीलिया बी 9, तो वो तो आप नंबर से भी याद रख सकते हो, ए का 8 बी का 9. ओके यस मैम. अब हेमोफीलिया क्या होता है वो सबको पता ही. ओके बी इट इज अ एसटीडी टाइप ऑफ डिसीज राइट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का एक एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी. तो हेपेटाइटिस बी अगर हो गया किसी पर्सन को तो आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन. ओके क्लियर है इतना सबको? यस मैम. यस मैम. ओके इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? तो हम लोग फाइनल जो एप्लीकेशन है हमारा उस पर हम लोग चलते हैं. ओके नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दैट जैसे कि वी हैव ऑलरेडी रिटर्न दैट इज द फर्स्ट वन इज हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी. दैट इज डिवाइडेड इनटू टू, वन इज इंसुलिन एंड द अनदर वन इज वैक्सीन प्रोडक्शन. ओके तो सबसे पहले हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है बच्चा लोग? यहाँ पे देखो हेल्थ केयर मतलब दो चीज की बात करेंगे हम लोग. पहला तो आपको जो डिसीज है उसको हम लोग डायग्नोस करेंगे कि कौन सा डिसीज है कैसे है. ओके दूसरा हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे या तो मेडिसिन देके या फिर वैक्सीन वगैरह देके. करेक्ट. नाउ दिस हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, दिस टेक्नोलॉजी हैज अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट. इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है, वो पेशेंट्स को वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस देता है जो कि बहुत ही यूनिक होता है एज वेल एज बहुत ही स्पेसिफिक होता है. आप बोल सकते हो आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम. ओके नाउ बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स पेशेंट्स बहुत ही स्पेसिफिक और वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस, जैसे कि स्पेशली वो पेशेंट्स में जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के साथ डीलिंग हुई है, जैसे कि जेनेटिक चीजें हो गए, फॉरेंसिक मेडिसिन हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके मतलब जो ऐसा नॉर्मल मेडिसिन से जो काम नहीं हो सकता वो कौन करता है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी. अब जैसे कि आपको पता है कोई भी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किडनी का ही तुम ट्रांसप्लांटेशन ले लो, तो उसके लिए बाद में कितना केयर चाहिए. मोस्टली द पर्सन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन ना दे डाई. वाई? बिकॉज आपकी जो बॉडी होती है ना वो जनरली एक्सेप्ट ही नहीं करती ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे के बॉडी का किडनी एंड ऑल. तो इसके लिए ऐसे मेडिसिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ सच पर्सन, राइट? यस और नो? यस मैम. दैट डील्स विद दिस बायोटेक्नोलॉजी. तो वहां पे बायोटेक्नोलॉजी आपका हेल्प करता है, जिसमें से भी हम लोग दो एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक है इंसुलिन जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन या फिर आपका वैक्सीन प्रोडक्शन. ओके तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत कुछ इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे लिखेंगे, देन विल सी. ओके अब इंसुलिन होता क्या है, जनरली इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन. ओके जो कि प्रोड्यूस कहाँ से होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लंगर ऑफ पैनक्रियास. पैनक्रियास पता है सबको? यस मैम. ओके पैनक्रियास का दो पार्ट होता है ये पता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन? यस मैम. एक्सोक्राइन क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करते दोनों. क्या बोल रहे हो? एंडोक्राइन प्रोड्यूसेस हार्मोन, एक्सोक्राइन हार्मोन. नहीं बच्चा दोनों कैसा हार्मोन, अगर दोनों भी हार्मोन ही प्रोड्यूस करेगा तो उसको एक्सो एंडो डिराइव ही क्यों करेंगे? मींस एक डायरेक्टली बॉडी में रिलीज करते, दूसरा पाउच में रिलीज. एंजाइम प्रोड्यूस करता है डाइजेशन के लिए.
pancreatic juice that consists of different types of enzymes. Yes. So pancreas generally divided into two, exo and endo wala part. Endo wala jo aapka, it produces hormones. And the exo wala part, it produces pancreatic juice that helps in digestion. Clear hai? So now insulin mein pehle insulin kya hai wo likho and it is produced through what? Okay. So insulin is a peptide hormone. Insulin is a point wise dal ke likho. It is a peptide hormone. Second point likho. It is produced by beta cells of islets of Langerhans. It is produced by beta cells of islets of Langerhans of pancreas. डन बच्चा लो यस मैम ओके अब देखो इंसुलिन क्या होता है वो हमको पता चल गया इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होता है इट इज प्रोड्यूस जनरली आपके अगर बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो इट इज प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस जो कि आपके पैनक्रियास का पार्ट है करेक्ट यहाँ तक क्लियर है सबको अब इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर व्हाट पर्पस फॉर कंट्रोलिंग शुगर लेवल ये भी सबको पता होगा ओके अब बच्चा लोग डायबिटीज के भी टाइप्स होते हैं ओके डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है डायबिटीज मेलिटस भी होता है सो डायबिटीज इंसिपिडस जो है बच्चा लोग डायबिटीज मेलिटस इट इज अ डिसीज इन विच सम पीपल cannot make this insulin ठीक है तो ऐसे patients जिनको diabetes mellitus हो जाता है वो क्या करते हैं वो अपने body में produce ही नहीं कर पाते बना ही नहीं पाते insulin खुद से समझ में आ रहा है yes ma'am yes तब जाके एक scientist है जिसका नाम है हकुरा उन्होंने क्या किया in 1977 chemically synthesize किया मैं आपको पहले structure बता देती हूँ insulin का insulin ना बच्चा लोग ultimately होता है जहाँ पे आपके दो chain होते हैं चेन ए एंड ठीक है दो चेन होता है दैट इज जॉइंड विद द हेल्प ऑफ सी वाला पार्ट ओके चेन ए एंड चेन बी दैट इज जॉइंड विद द हेल्प ऑफ दिस सी वाला पार्ट ये चेन नहीं है तो ये होता क्या एक्चुअली एक होता है आपका प्रो इंसुलिन दैट इज प्रो एक्टिव मतलब एक्टिव होने के पहले और दूसरा है आपका एक्टिव इंसुलिन समझ में आ रहा है Yes, yes, ma'am. तो जो प्री एक्टिव एक्टिव होने से पहले आपका इंसुलिन है ना उसमें आपका जो सी वाला पार्ट है दिस इज एक्चुअली सल्फर का वो बना होता है तो इट इज जॉइनिंग चेन ए एंड चेन बी ये आपका प्रो इंसुलिन है दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ओके प्रो इंसुलिन कैसा है इट इज इनएक्टिव जहां पे आपका सी पार्ट प्रेजेंट है अगर आप एक्टिव से इसका कंपेयर करोगे तो आपका ये जो सी वाला पार्ट है ये जैसे ही रिमूव हो जाएगा आपका इंसुलिन क्या हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी इन एक्टिव फॉर्म समझ में आया यस मैम ओके नाउ लुक हियर तो इन्होंने क्या किया जो हकुरा करके एक साइंटिस्ट है 1977 उन्होंने ऐसी दो चेन जो चेन ए एंड चेन बी में आपको बताई ऐसा दो चेन उन्होंने सिंथेसाइज किया डीएनए सिक्वेंस इंसुलिन का सेपरेटली सिंथेसाइज किया ओके चेन ए और चेन बी अलग ठीक है उसके बाद में उन्होंने क्या किया हम लोग क्या करते हैं बताओ डीएनए टेक्नोलॉजी में पहले हम लोग सिंथेसाइज करते हैं बाद में वेक्टर में करते हैं करेक्ट यस और नो सो सेम उन्होंने भी क्या किया दोनों चेन अलग अलग प्रोड्यूस किया सिंथेसाइज किया देन उसको प्लाज्मिड वेक्टर में अब प्लाज्मिड वेक्टर में मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर कौन सा था पीबीआर 322 राइट तो पीबीआर 22 उन्होंने भी यूज किया और उसमें क्या किया चेन ए एंड चेन बी दोनों को इंसर्ट कर दिया अब आपका चेन ए चेन बी वाज एक्टिव ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सी वाला पार्ट राइट सी वाला पार्ट हटते ही कैसा हो जाता है वो एक्टिव हो जाता है तो इन्होंने क्या किया इंसुलिन को अलग अलग प्रोड्यूस किया देन आपका जो ये प्लाज्मिड है पीबीआर 322 उसमें उन्होंने इंसर्ट किया वेक्टर में दैट इज प्लाज्मिड वेक्टर ओके
देन विद द हेल्प ऑफ दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया. ओके, सो बाय इंसुलिन प्रोडक्शन इज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो कि गिलबर्ट और विलोकॉफ मरोक ने स्टार्ट किया इन 1978. तो प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, 1977 में क्या किए, चेन ए एंड चेन बी अलग अलग प्रोड्यूस किया, अलग अलग प्रोडक्शन किया और किसमें इंसर्ट किया, प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322, दैट इज योर प्लाज्मिड वेक्टर. देन 1988 में मतलब उन्होंने सिर्फ क्या किया, दोनों अलग अलग प्रोड्यूस किया और प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया. बट इन 1978 after one year the another scientist came that is Gilbert and Willock Omarov, उन्होंने क्या किया 1978 में they started the production of insulin with the help of this RDNA technology. समझ में आया? Yes ma'am. तो ये लोग किया जीन्स को इंसर्ट किया, जो बीटा गैलेक्टोसाइडस जीन होता है प्लास्मिड का उसमें उन्होंने इसको इंसर्ट किया और रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड्स बनाना स्टार्ट किया. ठीक है, उसको देन अगेन क्लोनिंग बॉडी चाहिए हमको फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस. अब हमने क्या किया, वेक्टर लिया, वेक्टर में चेन बना के इंसर्ट किया, यस और नो? तो अब इंसर्ट करने के बाद वो आरडीएनए बन गया आपका, करेक्ट? Yes. उसके बाद इसको मोर प्रोडक्शन नंबर ऑफ कॉपीज करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्लोनिंग बॉडी चाहिए, करेक्ट? तो अगेन इसको हमने क्या करेंगे, इकोलाई होस्ट में डालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज होस्ट बॉडी क्लोनिंग बॉडी, राइट? तो आपका इकोलाई क्या करेगा, इकोलाई हैज स्टार्टेड, दैट इज द होस्ट स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ पेंसिलिनेस प्लस प्री प्रो इंसुलिन. ओके, प्री प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन सबको पता है क्या होता है, इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन. अब इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रोड्यूस किया, एनी आइडिया? प्री एक्टिव फॉर्म में प्रो इंसुलिन इकोलाई बनाना क्यों स्टार्ट किया, फिर साइंटिस्ट ने प्रो इंसुलिन क्यों बनवाया, डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में इंसुलिन क्यों नहीं बनवाया? एनी आइडिया, ऐसे यस और नो? एटलीस्ट नो मैम. नो मैम. क्योंकि बच्चा लोग इंसुलिन क्या करेगा, वो इनएक्टिव फॉर्म में, अगर वो एक्टिव फॉर्म में होगा तो इट विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, करेक्ट? शुगर कंट्रोल करना स्टार्ट हो जाएगा ना. यस. ई कोलाई को जरूरत है क्या शुगर कंट्रोल करने की? नो. जरूरत तो हमको है, दैट्स व्हाई इन ई कोलाई दे फॉर्म द इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज द प्रो इंसुलिन. समझ में आया? इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म. तो उसके बाद में उसको क्या करेंगे, दे सेपरेट इट आउट. इंसुलिन को लेटर क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. अब यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि इकोलाई में डायरेक्ट डालो और इकोलाइन डायरेक्ट ने उसने क्या किया, मतलब ऐसा कोई मशीन तो है नहीं कि आपने आरडीएनए डाल दिया, आपने उसको बोला कि हाँ मुझे इंसुलिन प्रोडक्शन चाहिए तो तुम फटाफट इंसुलिन बना के दो. तो इसीलिए इकोलाई का भी जैसे वहां पे अलग अलग क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है. ओके, तो जीन्स को किसके साथ इंसर्ट किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेस के साथ. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस का काम क्या होता है बच्चा लोग, पेनिसिलिन प्रोडक्शन. पेनिसिलिन प्रोडक्शन, पेनिसिलिन नाम सुना होगा आप लोगों ने, आई गेस इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एंटीबायोटिक. ओके, तो यहाँ पे आपका इकोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो जीन है आपका, वो क्या प्रोडक्शन कर रहा है, पेनिसिलिन. ओके, सॉरी, पेनिसिलिन इज एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग आउट योर पेनिसिलिन. ओके, इसको रफ कर दूं मैं? यस मैम. पहले यस, ठीक है, ध्यान से देखो. ओके, सबसे पहले क्या किया आपका, दो अलग अलग चेन बनाया ए एंड बी को पीबीआर 322 में इंसर्ट किया. इतना तक समझा सबको? यस. पीबीआर 322 अब इतना बना के छोड़ दें, 1978 एक साल बाद दूसरे साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, ये जो आरडीएनए था बच्चा लोग आपका, इसको किस में डाला, इकोलाई में डाला. इकोलाई आपका क्या है, होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर क्लोनिंग बॉडी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो उसमें डालने के बाद में क्या हुआ, अभी इकोलाई में आपका सेल्स पहले से भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइट.
बीटा गैलेक्टोसाइडेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेस. ओके, पेनिसिलिन का कट करने वाला एंजाइम इज कॉल्ड एज पेनिसिलिनेस. ओके, एक चीज याद रखना, ए एस ई लास्ट में अगर एज आ गया ना, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट योर एंजाइम. समझ में आया? और जो आगे जो नाम है उसके पीछे एज है, मतलब फॉर डिजोल्विंग दैट पेनिसिलिन को कट करने वाले, फिर पेनिसिलिन को डिजोल्व करने वाला एंजाइम आ गया यहाँ पे पेनिसिलिनेस. ठीक है, क्लियर है इतना सबको? Yes, तो आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? पेनिसिलिनेस. तो इसी बीटा गैलेक्टोसाइडेस के सेल में इकोलाई में क्या किए हमने, आपका जो आर डी एन ए है उसको ज्वाइन कर दिया. ओके, सो विद द एक्शन ऑफ पेनिसिलिनेस वो क्या साथ में प्रोड्यूस कर रहा है? प्रो एक्टिव इंसुलिन. प्रो एक्टिव इंसुलिन. समझ में आया? प्रोडक्शन ऑल दिस थिंग्स बाद में क्या किया जाएगा? ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट. ओके, सो इंसुलिन को हमको सेपरेट करना है ना हमारा प्रोएक्टिव. हमको इसका रिक्वायरमेंट है क्या पेनिसिलिनेस का? नो नो, वी रिक्वायर ओनली दिस प्रोएक्टिव इंसुलिन. सो बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिप्सिन, सो बाय ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट क्या कर लेंगे? वी आर गोइंग टू सेपरेट अवर प्रो एक्टिव इंसुलिन. प्रो एक्टिव इंसुलिन इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट. समझ में आया इतना सबको? यस मैम. यस. ओके, कुछ डाउट अभी यहां तक बच्चा लो? नहीं है किसी को? राइट, तो शॉर्टकट्स में चलो लिखना स्टार्ट करो. सबसे पहले हमने लिखा इंसुलिन कैसा हार्मोन है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन से पेशेंट को चाहिए, वी नो ऑल दैट थिंग्स. सो डायरेक्टली लिखो, इन 1977, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, in 1977, the two DNA sequence. In 1977, the two DNA sequence of insulin that is I dot E, that is chain A and chain B, that is chains A and B separately inserted into PBR322 plasmid. Chain A and B separately inserted or incorporated into PBR322 plasmid vector. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन 1978 इंसुलिन प्रोडक्शन इज स्टार्टेड. विद द हेल्प ऑफ आर डी एन ए टेक्नोलॉजी. डन मैम? हाँ बच्चा बोलो. मैम ये पॉइंट करो ना. आपका वॉइस नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? मैम ये पॉइंट रिपीट करो ना. सेकंड पॉइंट. यस मैम. ओके, इन 1978 इंसुलिन प्रोडक्शन इज स्टार्टेड. विद द हेल्प ऑफ आर डी एन ए टेक्नोलॉजी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डी एन ए. ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिखोगे तो भी चलेगा, विद द हेल्प ऑफ आर डी एन ए टेक्नोलॉजी. थैंक यू मैम. ओके बच्चा, डन एवरीवन? यस मैम. यस यस. ओके, सो डू वन थिंग, अभी ना आप लोग नेक्स्ट या तो पूरा ऐसे लिख लो या तो पार्ट लिख लो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में, शॉर्टकट में.
समझ में आ रहा है ना सबको कि डिक्टेट करूं पूरा सेंटेंस में? बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्लस आरडीएनए, तो अल्टीमेटली क्या प्रोडक्शन होगा आपका? पेनिसिलिनेस प्लस आरडीएनए से प्रोएक्टिव इंसुलिन. सो बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिप्सिन वी कैन जस्ट सेपरेट इट आउट अवर प्रोएक्टिव इंसुलिन. स्टेप्स में आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, आइदर राइट ओनली दिस पार्ट, एक ही लाइन में लिख लो तो भी चलेगा, एरो डाल डाल के. ये जीन आपका पहले से प्रेजेंट है, वहां पे आरडीएनए आपने ऐड किया, बीटा गैलेक्टोसाइड आपका पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा था, आरडीएनए प्रोएक्टिव इंसुलिन करेगा, ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट से हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे. समझ में आया है ना सबको? यस मैम. यस यस मैम. ओके, डन मैम. एवरीवन डन? यस यस मैम. चलो बच्चा लोग, नाउ द नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन. ओके, अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को इम्यूनिटी तो पता होगा राइट? व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी सबको पता है ना? पावर टू रेसिस्ट डिजीज. यस, वेरी गुड. सो जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ये पता है? वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड द अनदर वन इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. पता है बच्चा लो? नो. ओके, सो जनरली बच्चा लोग जो दो टाइप का इम्यूनिटी, एक इनेट इम्यूनिटी एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, द डिफरेंस इज जो आपका इनेट इम्यूनिटी होती है ना, अब जैसे व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम्ब ऑफ अ मदर, ओके, जब बच्चा पेट में है तभी क्या होता है, उसको कुछ एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, यस और नो? विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज पास हो रही है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. ओके, तो इसके वजह से जब वो एंटीबॉडीज पास होती है तो दैट एंटीबॉडीज जो कि ऑलरेडी बच्चे के पास पहले से ही है विद द हेल्प ऑफ मदर, सो सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी, जो कि बच्चे के पास पहले से ही प्रेजेंट है. समझ में आया? यस मैम. यस मैम. सो इनेट इम्यूनिटी इज द रेडीमेड इम्यूनिटी आप बोल सकते हैं. ओके, इनेट इम्यूनिटी को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोला चाहो तो इट इज द रेडीमेड इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय मदर टू चाइल्ड. ओके, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है बच्चा लोग? जब आप लोग फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन के कॉन्टेक्ट में आते हो. ओके, सो जो फर्स्ट रिएक्शन इज प्रोड्यूस, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमको कोई चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको सर्दी फर्स्ट टाइम हुई है. ओके, या फिर कुछ अलग एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं, कोविड का चलो ले लो, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम तुम पैथोजन के अगर थोड़े से कॉन्टेक्ट में आओ तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम जैसी कांटेक्ट में वैसी तुमको डिसीज हो जाता है, यस और नो? टाइम ऑफ कांटेक्ट मैटर्स राइट, एक्सपोजर ऑफ टाइम इज आल्सो मेजर कि आप उस पैथोजन के लिए कितने टाइम तक एक्सपोज हो, तुम कितने टाइम तक कांटेक्ट में हो, ऑल सच थिंग्स मैटर्स, यस और नो? यस मैम. एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसा होता है? जब आपकी बॉडी फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन के कॉन्टेक्ट में आती है ना, तो इट विल टेक टाइम टू गिव रिएक्शन. ओके, बट सेकेंड टाइम में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं ऑलरेडी. अब जैसे मैंने आप लोगों को उस टाइम बताया था लास्ट लेक्चर, ये जो भी आप लोगों को वैक्सीन लगा है कोविड का, जो भी वैक्सीन लग रहा है, इट इज नथिंग बट द एटेन्यूएटेड पैथोजेंस, करेक्ट? अभी आपके बॉडी में क्यों इंसर्ट किया? इट इज अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? प्री फॉर्म्ड एंटीजन, ठीक है? अभी जब एटेन्यूएटेड मतलब टेम्परेली वीकेंड, ओके, वीक किए हुए पैथोजेंस को आपके बॉडी में क्या करते हैं, वैक्सीन के थ्रू, ओके, किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू आपके बॉडी में इंसर्ट करते हैं.
समझ में आ रहा है? यस यस मैम. वेकेंट पैथोजेंस आपके बॉडी में वैक्सीन के थ्रू एंटर करेंगे. क्यों? अब आपका बॉडी पहली बार जब कोविड के पैथोजेंस के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, बट दे आर वीकेंड पैथोजेंस, राइट? तो वो उतना अफेक्ट तुमको उतना हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो वीक किए हुए हैं ना. वीकेंड मतलब क्या, उनको वीक किया गया हुआ है. ओके, दे आर मतलब 50% एक्टिवेटेड. अब उनको 50% क्यों एक्टिवेट किया, क्योंकि जब वो आपके बॉडी में जाएंगे, अब जैसे इसके पहले आप अगर कॉन्टेक्ट में नहीं आए हो उस चीज के, तो आपका बॉडी क्या करेगा, रिएक्शन देगा पहले. जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मतलब सुना है, राइट, कि वैक्सीन के बाद बहुत सारे लोगों को फीवर्स आ रहा है, बहुत सारे लोगों को मतलब अलग अलग सिम्टम्स है, सर्दी खांसी, राइट, बॉडी एक, तो ये सारे सिम्टम्स आपने देखे ना आफ्टर वैक्सीनेशन. व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे का रीजन सोचो और समझो. यहाँ पे जब इनएक्टिवेटेड पैथोजन आपके बॉडी में इंसर्ट किया, तो आपकी बॉडी ने क्या किया, उसके अगेंस्ट रिएक्शन प्रोड्यूस किया. एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ना, सो इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ने क्या किया, रिएक्शन किया, जिसका वो रिजल्ट होता है फीवर, बॉडी एक, सर्दी खांसी. इसलिए दैट इज पर्सन टू पर्सन चीजें वेरिएट हो रही है, क्योंकि हर एक की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है, करेक्ट? यस. जब हर एक की इम्यूनिटी अलग होती है, तो हर एक का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी अलग होगा. किसी को लंबे समय तक होगा, किसी का लंबा रिस्पॉन्स है, किसी का कम है. ओके, तो अभी एक्वायर्ड में मतलब क्या होता है बच्चा लोग, जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी ये वैक्सीन हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, तो आपकी बॉडी को पता चल गया फर्स्ट टाइम जब वो काउंटर हुआ, तो उसको पता चल गया कि अरे हाँ, ये कोविड का पैथोजन है, राइट? तो इसने इसके अगेंस्ट क्या किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया. यस और नो? यस. एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया, तभी तो तुम ठीक हो ना, अदरवाइज वैक्सीन के बाद तुमको वो नहीं हो जाता, बीमारी नहीं हो जाता. सो दैट्स व्हाई Your body has produced the antibodies against this weakened pathogens. So next time क्या होगा बच्चा लोग, जब next time तो same pathogen के contact में आओगे ना, at that time your body knows कि अरे ये वही है जो पहले body में आके गया है, तो जिसका आपने antibodies पहले से produce किया है, तो जो second response होगा that is going to be very quick response. First time में थोड़ा time लगता है, क्योंकि वो body में first time enter की हुई रहता है, तो उसका बॉडी को समझने में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में. बट जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम आपके कॉन्टेक्ट में आएगा, इमिडिएटली आपकी बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा. इतना समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम. यस. तो भी होता है जो रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है बच्चे को से, एक्वायर्ड मतलब ये जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है आफ्टर इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम. पहली बार इंटरेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी जो खुद से प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. क्लियर है? समझ में आया? यस मैम. यस. सबको समझ में आया अच्छे से? यस मैम. ओके, तो जनरली आपका वैक्सीन क्या होता है, इट इज नथिंग बट द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है. अब लेट मी टेल यू, आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना बच्चा लोग, इट इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड अनदर वन इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ओके, अब एक्टिव और पैसिव बहुत ही इजी है बच्चा लोग. पैसिव मतलब क्या होता है, अपने आप यहाँ पे भी सेम रेडीमेड, ठीक है? अभी जैसे वैक्सीन प्रोडक्शन वगैरह देखा ना हम लोग ने, तो वैक्सीन वगैरह में कैसा होता है, यूजुअली वैक्सीन आपका पैथोजन होता है, राइट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से डिसीज होता है वीकेंड फॉर्म में. यस और नो? यस. मतलब आप एक साइड से देखो तो इट इज अ एंटीजन. तो यहाँ पे एक्टिव में आपका वैक्सीन क्या किया, बॉडी के अंदर गया, उसने बॉडी से क्या प्रोड्यूस करवाया, बॉडी, राइट? यस. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जब सांप काटता है ना, तो आप इमिडिएटली डॉक्टर के पास रश करते हो फॉर इंजेक्शन. यस और नो? या फिर टिटनेस का ले लो, टिटनेस, स्नेक बाइट, तो ये का ना आपके बॉडी में प्रोडक्शन नहीं कराते एंटीबॉडीज का, दे डायरेक्टली टेक इंजेक्शन. इन केस ऑफ स्नेक बाइट टिटनेस बोल सकते हो आप. सो यहाँ पे पैसिव में क्या होता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं. क्या होते हैं पैसिव में? प्री फॉर्म एंटीबॉडीज. प्री मतलब पहले से फॉर्म्ड एंटीबॉडीज. समझ में आया?
प्री फॉर्म एंटीबॉडीज आर द पार्ट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, जहाँ पे आपको रेडीमेड क्या मिल रहा है, बना बनाया एंटीबॉडीज मिल रहा है. अब इसको हमने इनेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सांप काटने का एंटीबॉडी माँ से मदर को कैसे मिलेगा, मम्मी को थोड़ी सांप ने काटा है कि उसका बॉडी पहले से जो है एंटीबॉडीज बना के और सीधा बच्चे को पास हो जाएगा. समझ में आ रहा है चीजें? जहाँ पे आपका रेडीमेड आप डायरेक्टली इंजेक्शन लेते हैं, जैसे आपको कुछ लोखंड वगैरह लग गया, आयरन रॉड वगैरह लग गया, तो फिटनेस का इंजेक्शन यू टेक इमीडिएटली, एंड इंस्टेड ऑफ दैट स्नेक बाइट वगैरह हो गए, तो यहाँ पे यू डू नॉट वेट कि चलो मैं पहले वैक्सीन लगवाता हूँ, मेरी बॉडी रिएक्शन देगी, फिर एंटीबॉडीज फॉर्म होगी, फिर सेकेंड टाइम में और अच्छा रिएक्शन. यहाँ पे हम लोग रेडीमेड बॉडीज लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जहाँ पे आपको रेडीमेड का मिल रहा है. ओके, एक्टिव में क्या हो रहा है? हाँ बच्चा बोलो. मैम एक्टिव का एग्जांपल है ना, एक्टिव एक्वायर्ड वाला. आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से, क्या बोल रहे हो मैम? एड्स है ना, एड्स. AIDS, एड्स. हाँ, एक्टिव का कैसे होगा वहाँ पे? अच्छा, उसका जो इंजेक्शन आप लेते हो वैक्सीन. यस. बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो मिस, अगर मिस अगर मदर को ऑलरेडी स्नेक ने काटा है तो चाइल्ड को एंटीबॉडी चला जाएगा? अरे बच्चा, लेकिन स्नेक ने काटा तो बॉडी आपका इतना टाइम कहाँ देता है कि आप एंटीबॉडी फॉर्म कर सको? मिस उसके बाद मिस उसके बाद इंजेक्शन लेंगे और एंटीबॉडी बॉडी में रहेगा. हाँ, तो एंटीबॉडीज तो बट ऑब्वियसली जब आप इंजेक्शन बाहर से ले रहे हो, स्नेक ने आपको काटा, ठीक है, इमीडिएटली यू रश टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास से आप इमीडिएटली इंजेक्शन लगवा के ले रहे हो अगर वहां पे है. पहली बार तो स्नेक काटने के बाद चांसेस भी कम पॉइजनस स्नेक हो तो, राइट. लेकिन एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी फॉर्म हो गए हैं, सो देयर इज चांसेस. लेकिन कैसे होता है, देखो जब मदर से चाइल्ड को जब चीजें पास ऑन होती है ना, आइदर इट इज एंटीबॉडीज या फिर और सारी चीजें ले लो, तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें पास ऑन हो जाती, देयर आर सम लिमिटेशंस. ओके, तो अभी ये जो आप स्नेक का, दिस इज एन एक्सेप्शन कि मम्मी को अगर स्नेक ने ऑलरेडी काटा है तो वहां पे आप इंजेक्शन जो दे रहे हो, आप ऑलरेडी बाहर से दे रहे हो ना, दिस कम्स अंडर पैसिव. तो यहाँ पे आपकी मदर क्या कर रही है, अलग से एंटीबॉडीज नहीं फॉर्म कर रही है. समझ में आ रहा है? Yes. आप जो क्वेश्चन पूछ रही हो ना बच्चा, यू आर आस्किंग अबाउट दिस एक्टिव. एक्टिव में आपकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज फॉर्म करती है. तो जो एंटीबॉडीज बॉडी फॉर्म कर रही है, सिर्फ उसी का पास होने का चांसेस है. यस और नो? यस. यस. तो यहाँ पे आप एक्टिव को क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अगर मदर को आपने कोई भी चीज का इंजेक्शन पास ऑन किया. अब मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे किसी ने तो HIV का क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अभी चलो मैं पोलियो का एग्जांपल ले लेती हूँ. अब पोलियो का इंजेक्शन तो सबको लगता है, राइट, वो दो बूंद पोलियो के, यस और नो? वो सब लोग लेते हैं. तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो पहली बात तो पैसिव में आता है आपका, ठीक है, सॉरी इसका, आप पोलियो का जो दो बूंद लेते हो, अभी आपके जैसे मदर एंड फादर ने वो चीज ली हुई, यस और नो? तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे एंटीबॉडीज कुछ तो प्रोड्यूस हुई है मदर के पास, तभी तो उसको पोलियो नहीं होता, राइट. अब जैसे ये मदर बाद में बेबी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि मदर को पोलियो का दो बूंद पिलाया तो हम बेबी को नहीं पिलाएंगे, क्योंकि मदर ने एंटीबॉडीज पास ऑन कर दी होगी. समझ में आया? यस. तो देयर इज लिमिटेशन. ऐसा नहीं कि मदर ने जो भी चीजें ली सारी की सारी एंटीबॉडीज बेबी को पास हो जाती है. अगर ऐसा होता तो फिर हम बच्चों को पोलियो का ड्रॉप्स क्यों पिलाते? मदर को पिला दिए, फिर अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा वो एंटीबॉडीज पास ऑन हो जानी चाहिए थी. यस और नो? यस. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. So there is some limitation. अभी जो नॉर्मल होता है ना, जैसे innate immunity, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल देती हूँ, जैसे छोटा सा बच्चा है, देखो एकदम न्यूली बॉर्न बेबी तुम कंसिडर कर लो, एक दिन दो दिन तीन दिन, ठीक है. अब जो फॉर एग्जाम्पल सर्दी या जुकाम ले लो, अब जो इसके एंटीबॉडीज है ना बच्चा लोग, जो एकदम सिंपल सिंपल चीजें होती है, इसके एंटीबॉडीज इज पास फ्रॉम मदर टू बेबी. क्योंकि कैसा होता है, अभी इमिडिएटली वो बाहर आए एनवायरमेंट में, उसको ठंडा लगा और उसको सर्दी हो गई. तो अभी जैसे कि आपको पता होगा कि सर्दी खांसी भी इट इज नॉट दैट मच इजी, राइट. उसके वजह से भी बाद में काफी कुछ डिसीज, निमोनिया है, ये है, वो है, तमाम टाइप हो जाती है. यस और नो? यस.
इतने छोटे मोटे जो डिसीज है ना ऑफ दैट एंटीबॉडीज, अब बेबी इज एक्सट्रीमली मतलब बोलते ना सेंसिटिव होता है बहुत, बट स्टिल बेबी क्या करता है अगर उसको ऐसा कुछ हो भी गया तो इट फाइट विथ इट, बेबी की बॉडी क्या करती है फाइट करती है उसके साथ और उसको रिकवर करती है. क्यों? क्योंकि इस टाइप जो नॉर्मल होते हैं ना जैसे सर्दी खांसी ये सब का जो एंटीबॉडीज है ये कहाँ से मिला है, मदर से बेबी को मिला है विद द इम्यूनिटी. समझ में आया? Yes, ma'am. तो डिफरेंस समझ में आया आपको? ऐसा नहीं है कि सारा चीज का दवा तुम मम्मा को दे दो और फिर सोचो कि सारा का सारा बेबी को पास ऑन हो गया, तो बेबी को तो कुछ देने का जरूरत ही नहीं है उस हिसाब से. सो देयर इज सम लिमिटेशन. क्लियर है इतना? यस मैम. यस मैम. ओके, तो अब आपका वैक्सीन किसके अंदर आ जाएगा बच्चा लोग? इट विल कम अंडर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. क्यों? क्योंकि आप वैक्सीन देके क्या कर रहे हो, बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा रहे हो, दैट हेल्प्स फॉर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स में भी कैसा होता है, दो रिस्पॉन्स होता है, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड अदर वन इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स. ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे आपकी बॉडी में वैक्सीन लिया तो आपकी बॉडी को टाइम लगेगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होगा कि वो पैथोजन आपकी बॉडी में अंदर एंटर किया, तो योर बॉडी विल टेक टाइम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस पैथोजन. करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स. बट जब सेकेंड टाइम एक्चुअली वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी बॉडी को पता रही है पहले से आया हुआ है, एंटर किया, इसके अगेंस्ट वी हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस दी एंटीबॉडी. सो सेकेंड टाइम में इमिडिएटली एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी आप रिकवर करोगे. सबको समझ में आया अभी? यस मैम. ओके, तो अगर किसी को चाहिए लिख के ले लो. कौन सा बच्चा? वो वैक्सीन वाला पार्ट एक्टिव में. ओके, वैक्सीन इज द पार्ट ऑफ योर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बिकॉज जब वैक्सीन आपके बॉडी में इंजेक्ट करते देन योर बॉडी प्रोड्यूसेस प्राइमरी रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स दो टाइप का होता है, वन इज प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड द अनदर वन इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स. तो जैसे ही वैक्सीन आपके बॉडी में इंजेक्ट होता है योर बॉडी प्रोड्यूसेस प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्योंकि वैक्सीन अल्टीमेटली क्या होता है, वीकेंड पैथोजन. राइट, पैथोजन को वीक किया हुआ आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे. इतना समझ में आया? यस. ओके, तो फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में कोई भी जब पैथोजन जाता है बच्चा लोग तो आपकी बॉडी को टाइम लगता है टू रिकॉग्नाइज इट कि ये क्या है, कैसे टाइप का है, इसके साथ कैसे डील करना है. सो इट विल टेक टाइम. सो दैट्स व्हाई योर प्राइमरी रिस्पॉन्स इज लिटिल स्लोअर एज कंपेयर्ड रिस्पॉन्स. तो प्राइमरी रिस्पॉन्स आपका कैसा होता है, स्लो होता है. And secondary response is faster as well as more efficient. क्योंकि second time जब आपका actual में same pathogen enters to your body तो आपके body को पता है कि ये हमारे body में पहले भी आया हुआ है ये चीज during this primary response. समझ में आ रहा है अभी जिसने पूछा था? Yes ma'am. बच्चा समझ में आ रहा है आपको? Okay. तो second time में जब body में enter करता है तो your body knows क्या रही है, वही है जो पहले आके गया है. ठीक है, तो आपका बॉडी कैसे करेगा, सेकेंड टाइम में फटाफट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके आपका बॉडी क्या होगा, जीत जाएगा. समझ में आया? यस. ओके, इज देयर डाउट? किसी को कुछ भी डाउट है टिलिया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. तो इम्यूनिटी वाला पार्ट जिसको नहीं पता था प्लीज लिख के ले लो. इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू. अब मेन जो इम्पोर्टेंट है ना ये चीज लिख लो कि वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वेयर एज द स्नेक बाइट एंड किटनेस इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. पैसिव में एक चीज याद रखना कि यहाँ पे प्री फॉर्म एंटीबॉडीज होती हैं. दिस इज शॉर्टकट. प्री फॉर्म मतलब पहले से बनी हुई है, आपकी बॉडी को नहीं बनानी पड़ती. Done.
हो गया बच्चा लोग? यस मैम, यस हो गया। ओके, तो अभी सबको समझ में आया व्हाट इज दिस वैक्सीन एंड ऑल? तो अभी वैक्सीन में ऑलरेडी वी हैव डन द डिटेल स्टडी, या फिर आपको वापस से लिखना है? समझ में आ गया ना सबको? वैक्सीन क्या होता है? प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी, सॉरी प्रीफॉर्म एंटीजेंस प्रेजेंट है, जिसके वजह से आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। ओके, सो यूजुअली वैक्सीन कंसिस्ट अ बायोलॉजिकल एजेंट दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एंटीजन, आप उसको बोल सकते हैं, या फिर यू कैन से इट पैथोजन। एंटीजन बोलोगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज आपका जो वीकेंड पैथोजेन है उसका जो पर्पस है बॉडी में डालने का वो क्या है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, राइट? तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अगेंस्ट आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज एंटीजन। ओके, ए जी इज डिनोट्स एंटीजन एंड ए बी डिनोट्स एंटीबॉडी। समझ में आया? यस मैम। ओके, सो यूजुअली वैक्सीन कंसिस्ट बायोलॉजिकल एजेंट दैट रिप्रेजेंट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको आप एंटीजन भी बोल सकते हो या फिर सकते हो, जो कि एक वीकेंड फॉर्म होता है। ओके, वीक किया हुआ पैथोजन, या फिर आप किल भी बोल सकते हो, मतलब ऑलरेडी उसको किल किया जाता है या फिर वीकेंड किया जाता है, ताकि जस्ट सबकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। अब जो वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंट, टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट किट तैयार किया है, जहां पे आपका अलग अलग बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, रिकेट से, मतलब इनके वजह से जितने भी डिसीज होते हैं ना अलग अलग वेराइटी की, इन सब का यूज करके एक अच्छा खासा वैक्सीन का प्रोडक्शन रेडी किया है विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड एज मॉडल डायग्नोस्टिक किट। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे अभी एक पॉइंट लिखा, वैक्सीन प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी, बीटी बायोटेक्नोलॉजी has provided modern diagnostic kits that consist of kit, modern diagnostic kit that consists of bacterial, comma viral vaccine biotechnology has provided the modern diagnostic kits which consist of bacterial viral vaccines along with radio labeled therapeutics along with therapeutics along with radio labeled therapeutics for imaging and analysis। इसका मतलब क्या, मैं आप लोग को बताती हूँ। डन राइटिंग? यस यस मैम। ओके, तो जनरली बच्चा लोग, आप लोगों को पता है सोनोग्राफी वगैरह होता है, राइट? सीटी स्कैन होता है, यस और नो? यस। एक्सरे होता है, सुने हो ना ये सब? Yes. ये होता क्या है, सोनोग्राफी क्या होता है?
आप अल्टीमेटली आपके इनसाइड द बॉडी बॉडी के अंदर का जो भी मतलब प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट कर सको. सीटी स्कैन में भी सेम, एक्सरे में भी सेम, राइट? अंदर जो भी चेंजेस आ रही है आपकी बॉडी में इंटरनली वो चीजें आप पता लगा सको. ये सारी चीजों के लिए ये सारी चीजें यूज की जाती है. सो बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, इट हैज प्रोवाइड मॉडर्न डायग्नोस्टिक किट जिसे कहते हैं, जिसमें आपको वो अलग अलग टाइप के वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, अलॉन्ग विथ रेडियो लेबल थेरापूटिक्स. रेडियो लेबल मतलब रेडियली लेबल मतलब रेडियो एक्टिव आप समझते हो, तो सेम वैसे ही रेडियो लेबल थेरापूटिक्स जो कि आपको क्या कर रहा है, इमेजिंग में हेल्प कर रहा है, एनालिसिस. इमेजिंग एंड एनालिसिस, इमेजिंग मतलब सेम यहाँ पे आप इमेज देखते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, सीटी स्कैन एंड सोनोग्राफी, राइट? आपको एक फिल्म मिलती है, यस और नो? दैट इज कॉल्ड एज इमेजिंग. ओके, सो वो विद द हेल्प ऑफ दैट इमेज यू कैन एनालाइज कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. जैसे कि एक्सरे ले लो आप, अब जैसे आपका हाथ फ्रैक्चर है, ठीक है? सो विद द हेल्प ऑफ एक्सरे यू कैन सी कि हाथ मतलब नॉर्मली ऐसा था, अभी ऐसा होगा, तो इट इज गेट फ्रैक्चर्ड, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज, ये इमेज देख के आप एनालिसिस करते हो ना कि हाँ ये हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. So that's why with the help of this radio level biological therapeutics, आपको वो imaging और साथ ही साथ analysis के भी काम में आता है. Clear है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक point लिख लो. Vaccine have great effects. Vaccine have great effect. It has vaccine have great effect. It has eradicated 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 deadly diseases. Eradicated मतलब eliminated, ठीक है? तो vaccines ने क्या किया, जो deadly diseases जैसे कि polio वगैरह ले लो, small pox ले लो, ये सारे कैसे बहुत ही पहले जानलेवा डिसीजेस थे. सो विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन वी हैव जस्ट हम लोग ये सारे चीज से डील कर चुके हैं. ओके, सो वैक्सीन्स हैव ग्रेट इफेक्ट दैट इट इरेडिकेटेड डेडली डिसीजेस लाइक पोलियो, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा. डन? डन बच्चा लो? यस मैम. ओके, वैक्सीन्स हैव ग्रेट इफेक्ट दैट इज इट हैज एलिमिनेटेड या फिर इरेडिकेटेड द डेडली डिसीजेस स्मॉल पॉक्स, पोलियो एक्सेट्रा. ओके, अब इस टेक्नोलॉजी का अलग अलग जगह वैक्सीनेशन का एडवांसमेंट है. जैसे कि अभी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में भी दो टाइप के डिसीज होते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल एंड अनदर वन इज नॉन कम्युनिकेबल. सो कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है, ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इजिली, राइट? नॉन कम्युनिकेबल मतलब क्या, स्प्रेड नहीं होने वाला, मतलब फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लाइक टच और कॉन्टैक्ट. जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल का एक हो गया एग्जाम्पल कैंसर. ओके, सो अभी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से कैंसर जैसे डिसीजेस के लिए भी आरडीएनए वैक्सीन्स बनाई है बायोटेक्नोलॉजी ने. ओके, समझ में आया? चलो, वी आर डन फॉर टुडे. अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वापस इसका रिवीजन करेंगे वैक्सीन प्रोडक्शन का, देन विल गो फर्दर. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, जस्ट बी सेफ एट होम, बाय बाय, टेक केयर.